नगर परिषद कालका के चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा का हुआ भव्य स्वागत। सैकड़ों लोगों, संस्थाओं के लोगों और नेताओं ने खिंचवाई फोटो। नगर परिषद कालका के चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा का मंगलवार के दिन पूजा मैरिज पैलेस में फूलों के बुके से भव्य स्वागत किया गया। यहां धन्यवाद समारोह में पहुंचे हजारों लोगों ने नगर परिषद कालका के नवनिर्वाचित चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा को फूलों के हार पहनाए, वहीं फूलों के बुके देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया। करीब एक घंटे से भी ज़्यादा समय तक भाजपा नेताओं सहित कालका पिंजौर शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने न सिर्फ फूलों के बुके देकर उनका स्वागत किया, वहीं नगर परिषद कालका का चेयरमैन बनने की खुशी में लोगों ने बधाई दी। यहाँ दोपहर के समय लोग बहुत दूर दूर से नगर परिषद कालका पिंजौर के चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। हाथों में फूलों के गुलदस्ते, हार, बुके देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया तो उनके साथ ही सेल्फी फ़ोटो लेने वालों की कोई कमी नहीं दिखी। अधिकतर महिलाओं ने उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाए। यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। नगर परिषद कालका पिंजौर शहर के पहले चेयरमैन बने कृष्ण लाल लांबा ने नगर परिषद कालका के इतिहास में पहला नाम दर्ज करवा लिया है। उनके साथ पार्षदों की टीम भी मौजूद रही, वहीं नवनिर्वाचित बने चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। मंगलवार के दिन कालका पिंजौर के लिए वह चर्चित हीरो के रूप में भी बनकर उभरे हैं। कृष्ण लाल लांबा, उनके साथ हुई बातचीत में उन्होंने कालका और पिंजौर शहर की हजारों जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि नगर परिषद कालका पिंजौर के लोगों ने उन्हें चुना है और वह उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरने की कोशिश करेंगे और सभी 31 वार्डों में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जाएंगे ताकि पिंजौर और कालका शहर का विकास हो सके। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि सभी हमारे अपने हैं, पूरा क्षेत्रवासी, पूरे क्षेत्र ने मेरे को वोट डाली है। कोई भी मेरा पराया, मेरा सब मेरे अपने हैं, कोई मेरे लिए पराया नहीं है और मैं सब अपनों के लिए जी जान से हर चीज सुविधा का ध्यान रखूंगा। हर वार्ड का, हर जो भी हमारा यहाँ पे क्षेत्रवासी है उसकी हर सुविधा के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा। मैं कालका पिंजौर के लोगों को एक बहुत ही उनका आभारी हूँ, उनको उनका धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे अपने थे उनके पास ना जाकर भी, वोट की अपील ना करने पर भी मेरे अपनों ने मुझे वोट डाली है और मेरे पूरे क्षेत्रवासियों ने मेरे को वोट डाली है। सबका मैं धन्यवाद करता हूँ।